आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बैरिस्टर अली गोहर खान निगरान चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई का 2 दिसंबर को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया है आप भी देखिए। मैं आपको सुना रहा हूँ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम हफ्ते के दिन इसी हफ्ते सैटरडे को हम ये इलेक्शन कराने जा रहे हैं। जो हमारी कार्रवाई है वो पूरी करनी है, कानून के तकाजे पूरे करने हैं। इलेक्शन कमीशन का गैर आइनी और गैर कानूनी जो ऑर्डर है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। और अब मैं आपके सामने वो नाम लेता हूँ जो इमरान खान साहब ने नाम बताया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं हमारे बहुत लीगल टीम के अहम अहदेदार हैं, एक रुकन हैं, और वो ये टेम्प्रेरी जो उनका एक नॉमिनेशन है वो उसको इंशाल्लाह पूरी तरह निभाएंगे। लेकिन इतनी ये ज़रूर बताता हूँ कि हमारा नज़रिया वही है, पीटीआई वही है, काम वही है, स्ट्रगल वही है जो खान साहब ने इब्तिदा किए और खान साहब चला रहे। फ़िलहाल इतनी दुआ की अपील करता हूँ, अल्लाह हमें हिम्मत दे कि इस बारी जिम्मेदारी को हम मुश्किल वक्त में निभा सकें।